नमस्ते, मैं हूँ वर्तिका जैन। जी हाँ, आप में से काफी सारे लोग तो मुझे पहचान गए होंगे रसोई से की वजह से, पर उसी पहचान की वजह से आज यूट्यूब पर ये मेरा पहला एपिसोड है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। सर्दियों में रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, गेहूं के साथ बनती है। अगर हम उसको कहना चाहें सिंपल वे में तो गेहूं का खीच है। गेहूं का खीच कैसे बनाया जाता है सीखते हैं। देखिए, अभी देख रहे हैं कि मेरे हाथ में गेहूं के दाने हैं, तो ये अभी भीगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे गेहूं है, ये को आप 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अगर आप इसको पूरी रात भिगोएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जब गेहूं पूरी रात भीग जाएगा तो फिर जो चलनी होती है उसमें आप उसको रख दीजिए, तो जितना भी पानी है वो पूरा ड्रेन हो जाएगा। उसको कम से कम 5-10 मिनट तक रख लीजिए ताकि पूरा पानी उसका निकल जाए। उसके बाद बलबल का एक सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए, उसको बिछा दीजिए पूरे गेहूं को उसके ऊपर, ताकि जितना और एक्सेस पानी होगा तो उसमें गीलापन रह जाता है। एक्चुअली वो भी पूरा उस कपड़ा को पूरा सोख लेगा। तो उसके बाद आप देखिए इस तरीके से, आप देख रहे हैं कि भीगा हुआ गेहूं है, इसका टेक्सचर भी बता रहा है कि किस तरह से पूरा भीग चुका है। इसके बाद मेन प्रोसीजर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग बाजरा कूटते ओटेंगे वैसे इसको कुछ लोग पहले के टाइम ऐसे कूटा करते थे, लेकिन मैंने अभी मिक्सी का यूज किया। मैंने क्या किया, आप इस गेहूं के दाने को मिक्सी में डाल दिए ऑन ऑफ करके, जिसके ऊपर की पतली सी कवरिंग होती है वो निकल जानी चाहिए और अंदर से एकदम इसकी सॉफ्ट जो भूरी होगी वो आपको मिलेगी। फिर आप इसका जो छिलका है उसको निकाल दीजिए, पराठे में लेके प्रोसेस का फटकार लगाइए तो वो निकल जाएगी। फिर जैसे अपन दलिया बनाते हैं ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, ये देखिए जैसे अपन दलिया प्रेशर कुक करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करिएगा, कुकर में पानी लीजिएगा और जो हमने छिलका हटा दिया है गेहूं का वो आप उसमें डाल के और थोड़ा सा नमक बिल्कुल मामूली सा, और प्रेशर कुक कर लीजिएगा। पानी बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जो गेहूं है वो उसमें गल जाए। अब आप जब गेहूं गल जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से होगा। ये देखिए जैसे मैंने इसको पहले से ही गला रखा है, आप देख रहे हैं ये वाला, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये फील हो रहा होगा, देखिए एक 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 जो उसमें गेहूं का दाना आप देख रहे हैं किस तरीके से दिख रहा है, और ये पूरा ऐसे जब ये एकदम से गुलाबी है, कुछ गेहूं के पीसेस भी है, तो ये इस तरीके से एक या दो मिसल में ये ऐसा बन जाएगा। अब आगे क्या करना है ये देखते हैं। तो चलिए इसके बाद तक शुरू करते हैं प्रोसीजर। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, और इसके बाद जिस प्रेशर कुकर में आपने प्रेशर कुक किया है इसको पानी के साथ, आप उसी के अंदर दूध ऐड कर दीजिएगा। लेकिन मैंने प्रेशर कुक करके इसको इस बोल में लिया था, तो मैं अभी देखिए पैन में इसको ले रही हूँ। सबसे पहले जितना आपको बनाना है इस तरीके से उतनी क्वांटिटी में आप इसको ले लीजिए, ठीक है। हम इसको ऑन कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये है देखिए ये है दूध। अब इसमें हम दूध को ऐड कर देते हैं इस तरीके से, देख रहे हैं आप। बेसिकली होता क्या है, दूध के साथ एकदम स्लो फ्लेम पे पकता रहता है, ये देखिए। क्योंकि ये ऐसे सिर से आप चम्मच में धीरे धीरे से जो इसमें गले बन जाते हैं, लम्स बन जाते हैं, आप इसको धीरे धीरे से हिलाते रहिए इस तरह से। जहां भी आपको दिख रहे हैं आप उधर प्रेस कर लीजिए और धीरे धीरे ये अपने आप डाले पता जाएगा। देख रहे हैं आप कि वो जब गेहूं है वो एकदम दिख रहा है इसके अंदर, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें संग-संग ही हम एक चीज और करेंगे, मीठा भी ऐड कर देंगे। तो मीठे के लिए मैंने ली है चीनी, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना मीठा आप खाते हैं उतना मीठा आप ले लीजिए। वैसे मीठा इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, जितना भी मीठा आपको पसंद है। अब इसको अपन वापस स्टर करते हैं इस तरीके से धीरे धीरे। एक चीज और करेंगे इसमें हम संग-संग केसर डालेंगे, अच्छी सी केसर। ऐसे एक बात है, केसर अगर प्योर मिल जाए तो फिर कहना नहीं था। केसर की कुछ
राइट। आप चाहें तो केसर को आप पहले भी पानी में आप धो के रख सकते हैं, पहले भी, क्योंकि अब इसको पकने में टाइम लगेगा, तो इतनी देर में जो केसर है उसका पूरा कलर इसमें आ जाएगा, आराम से कलर भी आएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। केसर के साथ मैं अभी थोड़ा सा इलायची पाउडर अभी भी ले रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इलायची पाउडर लास्ट में भी ऐड कर देंगे, ताकि जो उसका अरोमा है ये मैंने पीस रखा है, और थोड़ी सी चीनी के साथ मैंने इलायची को पीसा है, उससे बहुत अच्छे से पिस जाता है। ये हो गया इलायची पाउडर, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, तो ये चिपके नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं बीच में हम थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, उससे क्या है चिपकेगा नहीं और इसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज है कि ये चिपकना बहुत जल्दी शुरू करता है। इस तरीके से ये वाली आप स्टेज देख लीजिए, ये ऐसे तैयार होता है, और इसमें अगर एक बात और है, दूध थोड़ा सा लिक्विड भी पसंद करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, उसको बनने के बाद अगर आपको गर्म दूध और ऐड करके खाना है तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो अब हम एक काम करेंगे, थोड़ी सी जो किशमिश है बहुत अच्छी लगती है इसमें, ये देखिए इस तरीके से किशमिश अगर किसी डिश में ऐड कर दो तो क्या फूल जाती है। और ये कुछ अभी एक बादाम है मैंने भिगो के रखा, फिर उसकी मैंने कतरन कर दी, इस तरीके से बादाम की कतरन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और स्पेशली बादाम अगर भीगे हुए हो और उसकी कतरन आपने बनाई हो। थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें और ऐड कर देती हूँ, हल्का सा लास्ट में एक फ्रेग्रेंस और ले जाती है। अब बची पिस्ता, पिस्ता मैं बीच में ऐड करना पसंद नहीं करती, बहुत सारे लोग बीच में ऐड कर देते हैं, मैं सिर्फ पिस्ता को एक गार्निशिंग के तौर पर ही प्रेफर करती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, इसको सर्व कर दें ठीक है, और मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अब लास्ट में नो डाउट पिस्ता से इसकी गार्निशिंग हो जाती है, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से पिस्ता इसमें ऐड कर दी है, पिस्ता इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, इसको आप सर्व कर देने, देखिए इस तरीके से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लुक देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत इसका लुक है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है बताइए। थोड़ा सा मैंने केसर जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था, इसका एक अच्छा सा कलर, वैसे हमने केसर ऑलरेडी काफी ले रखी है इसके अंदर, थोड़ी सी केसर इसमें आ गई है, लास्ट में थोड़ी सी ड्राइनेस इसमें, ताकि जब भी वो ड्राइंग में रखा रहेगा तो सबको अफेक्ट करेगा। और यकीन मानिए जिसको बना के मैंने खिलाया है सबने यही पूछा है कि कैसे बनाया है, तो किशमिश बहुत सुंदर बन गई है इसमें, इस तरह बहुत अच्छा कलर है, तो इसे इस तरह से मैच करें। नाउ दिस इज यस रेडी। तो चलिए गर्मा गर्म खीच का आनंद लिया जाए, वैसे मेरा तो फेवरेट है ये, और मजे आ गए सीरियसली, आप लोग इसे जरूर से बनाइएगा। तो ये तो रेडी हो चुका है,
जाते जाते बस यही चाहूंगी कि जितना प्यार आप सब लोगों ने मुझे पहले दिया उतना ही प्यार मुझे आप लोगों से फिर से मिलेगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।